गाइस अभी चल रहे हैं भाई घाट पे थोड़ा रील शूट करने, और भाई एक अलग सी R15 दिखाते हैं। ये देखो ये R15, ये देखो प्यारी लग रही है। और इसमें एक चीज़ और बड़ा प्यारा लगा, देखो इसके पीछे का टेल लाइट, इसने पीछे पूरा टेल इसका चेंज करा रखा है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और थैंक्स फॉर दिस भाई लोग ने यार बाहर से मेरे लिए टायर मंगा लिया यार, इसके लिए यार बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जा रहे हैं घाट पे, ये जो टायर है इसको पूरा ख़त्म करते हैं। भाई एक टाइम में आगे स्टंट किया करता था, पर यार अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया यार। मैं तुरंत पीछे कर दूंगा, वेट एडवाइज। ये देख रहे हो भाई ये पूरी बन रही है, पूरी यहाँ से वहाँ तक यार, मतलब बहुत अच्छा बनाया जा रहा है इसको यार। और वो देखो वो है अपना गाय घाट जो बहुत नज़दीक पड़ रहा है, इधर से दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है यार, क्या ही बोले यार। और ये फसल लगता है भाई किसी गांव में आ रखी है यार, गाँव की वाइब से भाई बहुत अलग आती है, देसी छोड़ा। गाइस क्या ही बोले भाई, ये पिलर देख रहे हो बड़े बड़े मशीन लग रखे हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा है। देखो ओवरटेक कैसे हो रहा है, अभी इधर बाइक चलाने में मेरे को अलग वाइब आ रही है भाई, लग ही नहीं रहा भाई कि मैं रोड पे चला रहा हूँ, लग रहा भाई कोई सोसाइटी में मैं चला रहा हूँ यार। और भाई पहले लेने हम लोग को पेट्रोल पंप जाना है गाइस, क्योंकि कुछ तो लेना पड़ेगा ना उसके लिए। वेली वेली कुछ नहीं डूड, we
भाई ये ऑटो है यार, किधर किधर ऑटो जाता है। भाई कभी भी नर्वस नहीं करना चाहिए, ये बात मैंने एक बार सीख चुका है। तो भाई मैं पीछे आराम से चल रहा हूँ, भाई लोग को चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा जोर के आगे तो यार फिर निकले के आगे निकलते आगे दूर बहुत हो गया। मजा आ गया यार, बहुत दिन बाद ये देखो यार सीन देख रहे हो, और ऊपर से ये वाली R15, इसका टेल हमको बहुत प्यारा लग रहा है, लेजेंड नेवर डाई यार, बहुत प्यारा टेल लग रहा है इसका। तो बाइक हो चुकी है वार्म अप पूरी और मजा आ रहा है यार। ये छोटा भाई इसका, ये वर्जन 1 आया था, उसके बाद वर्जन 2 आया था, उसके बाद ये वाली मॉडल आई थी R15S जो मेरे में लगी है, और ये भाई अलग ही इसका सीन है। ये हमको बहुत सच्ची में ये बहुत प्यारा लगता है हमको, ये जो लगाया है, ये बैठा नहीं था, अच्छा दिया नहीं था, भेजा ही नहीं था। बताओ भाई ऐसे ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पे भाई, स्कैम कर देते हैं भाई, तुम्हारी नहीं भेजते पैसा लेने के बाद, जो लोगों ने छूट वूट गया होगा बेचारा वो वही सीन होगा। तो यार सही है फिर, और अब करते हैं थोड़ा स्टंट, मिलते हैं आप लोग से, वेट एंड वॉच। तो गाइस अभी हो चुका है डन, टायर का कंडीशन क्या है अब भाई, इसको पूरा बम हो चुका है, ओ भाई पूरा चिपक रहा है ये, उसके बाद अब तो भाई इसको Bye.
भाई टायर तो नहीं गया, टायर तो नहीं गया, पर मेरा कूलेंट बाहर आ गया, सेंसर भाई हीट हो गया, कूलेंट आ गया बाहर। अब क्या करना है गाइस, मारना करते बंद और चलते घर की ओर, क्योंकि भाई सीन देख रहे हो क्या हुआ भाई मेरी डेविल का। कूलेंट भाई देखो यहाँ से हीट होकर ये गाइस निकल गया भाई, पूरा कूलेंट बिक दिया। तो यार अब निकलना पड़ेगा घर, और चलो ऐसे ही टायर चेंज करवाते हैं। और अब जल्दी से लाइक कमेंट करो। और ये देखो भाई आग वाग लगाने के बाद भी नहीं हुआ, आग भी लग गया, आग इसमें लगी, इसमें आग लग गया था भाई, पर फिर भी नहीं हुआ भाई। ये टायर नहीं टारा। ये तो फाइनली गाइस अबे हो गया, देखो इंजन हीट का भी साइन दे दिया, इसीलिए मैं रुक गया। और कूलेंट का भी बिक दिया ना, ओवरफ्लो हो गया, इतना देर तक ना जैसा टायर फटे तब तो। नहीं था। और भाई मेरी डेविल की हालत देखो, ओ माय गॉड, क्या हुआ बाबू तुमको क्या हुआ, क्या हुआ बाबू तुमको क्या हुआ। तो गाइस कतई जहर वाली फीलिंग। और अब कराते भाई टायर चेंज, ये ना फटने वाला भैया, ये ना फटने वाला भाई। अपोलो अल्फा S1 लगा हुआ है, तो यार इसका हाल देख रहे हो, नहीं फटा यार, नहीं फटेगा ही, नहीं फट रहा है। क्लच दाब ना थोड़ा, जो मेरा था वो कहाँ गया, ये देखो भाई अभी तक इसका भाई एक तार निकला भाई, अभी तक इसका एक तार निकला, अभी तक इसका बल्ब पूरा बाकी है, देखो देख रहे हो अभी तक पूरा बाकी है। और ये देखो भाई, अगर किसी के दांत में जंग लग जाए तो इसे साफ कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं अब अपना टायर चेंज करवाते हैं, और क्या ही बोला जाए भाई, इसका कोई जवाब नहीं है भाई, ये अलग चीज़ है। और टायर भी भाई अलग ही लगा, आपसे मैं यही लगवाऊंगा। तो यार चलो देखते हैं कौन सा टायर लगने वाला है, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। A few moments later. भाई देखो वहाँ आग लग गया, यहाँ आग लग गया, सब में आग लग गया, पर भाई ये टायर फटने का नाम ही नहीं ले रहा यार, यार क्या ही इसको बोला है भाई, ये टायर नहीं यार कुछ और। अपोलो को सैल्यूट है भाई मेरे तरफ से। और भाई देख रहे हो पूरे में पड़ गया, पर टायर ही फट ही नहीं रहा। अब तक सीएट रहा फट जाता कब का भाई। आप लोगों ने यार डांसिंग कार जरूर देखा होगा भाई पीके में, और ये देखो फीलिंग ब्रेकलेस पे डांसिंग बाइक, ये देखो कहते कहते भाग रही है, ये देखो इसका टायर पूरा फट गया अभी, जो हम लोग ने फाड़ दिया भाई, क्या ही बोल सकते हैं। और ये देखो डांसिंग बाइक बन रखी है, क्या वो भैया जी बाइक पंचर नहीं, भैया टायर फाड़े वहाँ पे, हाँ फाड़ दिए उसको आग लगा करके, आग लगा दी आग। तो गाइस जंपिंग जपान करके चल रहे हैं, और मैं क्या ही बोले, हल्का देखो हम भाई सीधा रहेंगे, देखो ये देखो। तो गाइस ऐसा करते हैं हम आगे रुकते हैं और भाई को बुलाते हैं, वो साथ अभी गया बंदा भाई छोड़ने अपना, तो छोड़ करके आएगा तो भाई फिर जाएंगे अभी। ओ भाई मेरी बाइक स्लाइड कर रही है भाई, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, रिस्क नहीं लेना मेरे को, मैं बाइक रोक रहा हूँ, नहीं तो भाई रिम रिम टेढ़ा हो गया तो और परेशानी। चलो कोई नहीं, डेविल के लिए न्यू टायर। ओ भाई
बाइक भागी जा रही है, कहीं रोकते हैं भाई, पानी वानी पी दे जब तक भाई भी आ जाएगा, वो तो छोड़ने गया है। तो गाइस मिलते हैं भाई मेरे नवाज। और भाई देखो गाड़ी बैलेंस नहीं हो रही है, देखो देखो, ओ भाई गाड़ी के हैंडल देख रहे हो यार, बाइक की हैंडल देखो भाई, ये देखो मेरे को मोड़ने में नहीं, अरे अरे भाई भाई भाई, ओ भाई बाइक मोड़ने में नहीं बन रही है, मेरे को लग रहा भाई जाते जा रहे टायर पूरा निकल ही जाएगा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ओ भाई कतई जहर हो रखी है भाई, डेविल समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया रुक जाओ यार, हमको आन दो हमको आन दो, बाइक एक साइड भाग रही है भाई, पूरी जो बाइक है ना वो एक साइड हो रही है। तो गाइस अभी लगवाते हैं बाइक में टायर, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। और गाइस न्यू टायर यार लग रहा है, क्या ही बोला जाए, जो टायर सोचे थे वो नहीं लगा, बट अभी दूसरा टायर लग रहा है, क्योंकि भाई वो साइज थोड़ा सा बाहर से मंगाए थे यार उस टायर को, और गाइस उसका थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था तो उसको कैंसिल किया, क्योंकि भाई मैं तो हमेशा रश राइड करता हूँ, तो यार सोच समझ के करना है। तो चलो कोई नहीं, अपोलो अल्फा H1 इस बार डाले हैं, क्योंकि इस टायर का डिमांड भी और भाई अच्छा भी है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस फाइनली लग चुका है अपोलो अल्फा H1, अपना चप्पल थोड़ा साइड कीजिए आगे से। भाई इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। और गाइस देखो अपोलो अल्फा H1 MRP है भाई 8,999, पर हमको पड़ा कुछ और ही रेट, कोई नहीं। और यार ये फिक्सी लग रहा है भाई, और कहीं भाई सट तो नहीं रहा है, ये कहीं भी नहीं सट रहा है, बिल्कुल सेंटर में है। और अब आएगा मज़ा, फायर वाली वीडियो तो आप लोग देखोगे ही देखोगे, और बस सब्सक्राइब करो यार जल्दी से। सो गाइस फाइनली हम लोग ने अपोलो अल्फा H1 टायर यूज़ किया अभी डेविल के अंदर, तो यार इसका ग्रिपिंग तो यार अभी मेरे को समझ में आ नहीं रहा, बट यार ग्रिपिंग तो यार बहुत प्यारी दे रही है। अभी थोड़ा हाथ बैठाना है भाई इस वाले टायर पे, अभी थोड़ा सा हाथ बैठाना है और यार मज़ा आ जाएगा, सच बोल रहा हूँ गाइस। ओ भाई क्या ग्रिपिंग दे रही है, गाइस जल्दी मिलेंगे आप लोग से न्यू वीडियो के साथ, वो भी धमाकेदार वाली फुल रश राइड के साथ। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप यो गाइस आप लोग को आज मज़ा आया होगा यार आज वाली वीडियो देख के। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड राइड सेफ डूड। और एक चीज़ कमेंट करके बताना भाई, फायर बर्न आउट कैसी लगी, बस ये मेरे को तुम लोग बता देना गाइस, क्योंकि यार मुझे तो बहुत मज़ा आया यार। चलो गुड डूड, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड राइड सेफ डूड।